राजधानी लखनऊ के औरंगाबाद जहांगीर थाना अशियाना क्षेत्र के अंतर्गत क्लार्क के सामने ट्रांसफार्मर गलत तरीके लगाने को लेकर क्षेत्रीय पावर हाउस मध्यांचल विद्युत वितरण निगम में पीड़ित देवेंद्र कुमार पांडे पुत्र उमाकांत निवासी बी 94 आम्रपाली बिहार ने लगाई क्षेत्रीय गेहरू पावर हाउस द्वारा नियम विरुद्ध लगाए गए पावर हाउस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई, जहां पीड़ित परिजनों ने आरोप लगाया कि क्षेत्रीय प्रॉपर्टी डीलर से मिलकर जबरन प्लॉट के सामने ही नियम विरुद्ध ट्रांसफार्मर लगाया गया है। गेहरू पावर हाउस के एसडीओ से बात करने पर स्पष्ट जवाब नहीं मिलने के कारण हताश पीड़ितों ने लगाई प्रदेश सरकार से न्याय की गुहार। क्या समस्या है आपकी, अपने परिचय के साथ बताएं भैया। ये कौन सा इलाका, कौन सी जगह है जहाँ पर आपने भूमि खरीदी? भैया ये औरंगाबाद जागीर लगती है, मेरा नाम देवेंद्र कुमार पांडे है और ये हमारा सामने वाला प्लाट है। हमारी समस्या ये है कि इन्होंने हमारे मकान के सामने ट्रांसफार्मर लगा दिया है, जिस प्लाट के सामने, जिससे हमारे बच्चे अगर मैं कल को घर बनवाता हूँ वो जल के मर सकते हैं, बहुत सारी ट्रेजिडी हो सकती है भैया। ये ज़बरदस्ती हमसे ज़मीन लेना चाहते हैं, मैं क्या करूँ, मेरे कुछ समझ में आ नहीं रहा है। आपने इसकी शिकायत की भैया, ये लोग ज़बरदस्ती हमसे जो है बोल रहे हैं ज़मीन बेच दो। ये नजमी साहब हैं और उनके एक सिपह सवार जो है चौहान साहब हैं, सुजीत कुमार चौहान जी हैं, जो यहाँ पे बेचते हैं, हमको प्रताड़ित कर रहे हैं भैया। ये कह रहे हैं ये हमारी ज़मीन है, ये दूसरे प्लाटर की है, ये बोल रहे हैं ये ज़मीन हमें बेच के आप चले जाइए यहाँ से। आपने खरीदा था जी अपनी मेहनत की कमाई से? जी वो कह रहे हैं कि इसको खाली जी जी हमने अपनी खून पसीने की कमाई से ये प्लाट खरीदा हुआ था और ये लोग बोल रहे हैं कि इसको जो है, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या बोलूं। हर अलग अलग तरीके से आपको परेशान। हाँ जी जी, पावर हाउस से किस तरह की मदद चाहते हैं और ये जो खंबा नियम विरुद्ध रोड पे गड़ गया है इसके लिए क्या? आप खुद देख लीजिए भाई साहब, ये रोड पे इन्होंने गाड़ दिया है ये, कल को गिर जाए हमारे बच्चे मर जाएंगे ना, हम क्या करेंगे बताइए आप। इस तरह की कार्रवाई चाहते हैं? ये बस खंभा यहाँ से हटना चाहिए हमारा और हमें प्रताड़ना ना मिले, हमें ये लोग जो प्रताड़ित कर रहे हैं, हमें पुलिस प्रशासन सबसे ये सहायता चाहिए और बिजली विभाग से ये चाहिए कि ये जो है ट्रांसफार्मर यहाँ से हटवा दें, नहीं तो हमारे बच्चे सब अनाथ हो जाएंगे, किसी के साथ कोई भी ट्रेजिडी हो सकती है। छोड़िए, खंभे की वजह से होती है, उसकी जिम्मेदारी जिम्मेदार बिजली विभाग है भैया, बिल्कुल बिजली विभाग होगा इसका जिम्मेदार। ये पावर हाउस बहरू गहरू गहरू पावर हाउस पड़ता है, वो लोग आके ज़बरदस्ती खंभा लगा के चले गए, हम लोगों से परमिशन भी नहीं लिए, चोरी छुपे। आज जो है लॉकडाउन का दिन है, आज तार लगा दिया इन लोगों ने आके, बताइए लॉकडाउन के दिन संडे के दिन कोई तार लगाता है? ये तो हमको सूचना मिली तो मैं दौड़ा दौड़ा भागा भागा आ रहा हूँ, मैं इधर उधर परेशान हूँ, मैं क्या करूँ बताइए आप। परिचय के साथ बताएं, आखिर जिस जगह पर आप लोगों ने प्लाट लिए हैं किस तरह की दिक्कतें आ रही है, जिसकी कंप्लेंट कहां कहां की, क्या कार्रवाई है? मेरा नाम रंजीत कुमार है और मेरी ये प्रॉपर्टी जो है, प्लाट हमारा आवासीय प्लाट है ये, जिसके ऊपर से 12,000 वोल्ट की जो वायर खींची गई है ये बिल्कुल गलत तरीके से खींची गई है, जिसके लिए कोई भी सावधानी या नियम, जो भी सुरक्षा कानून बनाए गए हैं बिजली विभाग के द्वारा या जो भी इनके सर्कुलर में है, उसकी भी बिल्कुल भी इन्होंने पालन नहीं किया है। और अब प्लॉट से बिल्कुल देखिए ऊपर से तार जा रहे हैं, भविष्य में हमारा जब मकान बनेगा, बच्चे हैं हम हैं, इससे स्पार्किंग होती है और सुनने में आता है कि 3-4 फुट पहले ही खींच लेता है अपनी तरफ, तो भविष्य में बहुत जान माल का नुकसान हो सकता है, कभी तार टूट गया किसी के ऊपर गिर जाए, तो उसकी दूरी का भी जो ख्याल नहीं रखा गया। तो नज़दीकी पावर हाउस में कहाँ पड़ता है और किस तरह की कंप्लेंट की, क्या कार्रवाई की SDO या XCN ने, बिल्कुल आला अधिकारियों ने? बिल्कुल, औरंगाबाद जागीर का जो भी बिजली का काम है सारा गहरू पावर हाउस से होता है। इसके लिए मैं 3 तारीख को लगाया गया था ये, जिसकी मैंने शिकायत 6 तारीख को लिखित रूप में वहाँ के जो जेई साहब हैं, संदीप कुमार नाम है उनका, जेई है उप जेई, उनको मैं दे के आया था और उनको मैंने बताया तो उन्होंने मौखिक रूप में मुझसे कहा था कि अभी पूरे पूरी तरह से कार्य नहीं किया गया है और जब भी हम दोबारा इसके लिए विजिट करेंगे तो वहाँ पर आपका इस बात का हम रखेंगे ध्यान। और इस कार्रवाई हो रही है या आप लोगों की ज़मीनों पर जिस तरह से आपने बताया, क्या वो कार्रवाई कर रहे हैं या कार्रवाई नहीं हो पा रही है? नहीं, उन्होंने कहा था कि हम करवा देंगे एप्लीकेशन, जब मैं दे के आया था तो एक इन्होंने 9 तारीख को एक वहाँ से जो भी लाइनमैन हो किसी को भेजा था यहाँ पे विजिट करने के लिए, देखा जाए कि यहाँ पे कैसे समस्या का समाधान किया जाए, पर वो चले गए और आज बिजली विभाग से वहीं गहरू पर संडे के दिन आज यहाँ पे आए थे, जो कि आगे का जो कार्य था उन्होंने वो भी ख़त्म कर दिया,
पर हमें जेई साहब ने कहा था कि कार्य अभी हुआ नहीं है, हम इसके पहले ही करवा देंगे आपका काम। निस्तारण नहीं हुआ है और इसके लिए हम दोबारा फिर जाएंगे या कार्रवाई चाहते हैं इस बड़ी लापरवाही पे आप। बस मैं इतना चाहता हूँ कि ये आवासीय प्लॉट है और ये 11,000-12,000 वोल्ट की जो तार जा रही है इसके लिए जो भी उचित कदम सरकार ने बना रखे हैं नियम उसका पालन किया जाए, कम से कम दूरी पर रहे ताकि भविष्य में कभी कोई किसी को दिक्कत ना हो। मतलब जो बिजली विभाग है वो नियम विरुद्ध यहाँ पे आप बिल्कुल बिल्कुल नियम विरुद्ध है भैया, इसके लिए बिल्कुल नियम बनाए गए हैं। 8 फुट की 10 फुट की दूरी या एक प्लास्टिक वायर आते हैं वो आप डाल सकते हो कि किसी को दिक्कत ना हो। अब ऐसे ओपन वायर बताइए, इतने 12,000 वोल्ट की तार जाएगी तो भैया आने वाले समय में परेशानी तो होगी ना सभी को।